નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝના વિશેષ કાર્યક્રમમાં બધાનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, આજે આપણી સાથે છે આ કાર્યક્રમમાં એક એવા વ્યક્તિ કે જે રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા છે ભારતીય કોંગ્રેસના, અને આજે અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા છે અને અમને વિશેષ મોકો મળ્યો છે તેમની સાથે વાત કરવાનો. અભિષેક મનુસિંહજી, અભિષેકજી સ્વાગત આપકા કાર્યક્રમ કા. અભિષેકજી, સબસે પહેલે તો બાત કરના ચાહુંગા કે જો પૂરે હિન્દુસ્તાન કા જિસ પર નજર અભી ટિકી હુઈ હૈ, ઉત્તર પ્રદેશ કે ઇલેક્શન કે ચુનાવ કે અભી બહોત કમ દિન બાકી હૈ જો કે ઉનકે અંતિમ ચરણ તક પહોંચ ગઈ હૈ, ક્યા લગતા હૈ કોંગ્રેસ કા? ક્યોંકિ બહોત પિછલે કિતને દસકો સે કોંગ્રેસ વહાં પે ઇતના પરફોર્મ નહીં કર રહી હૈ જો પૂરે હિન્દુસ્તાન મે જો કર રહી હૈ. ક્યા ઇસ વક્ત લગતા હૈ આપકો કિ આને વાલે દિનો મે જબ યે રિઝલ્ટ આયેંગે તો કોંગ્રેસ અપના પરફોર્મન્સ થોડા અચ્છા બતા પાયેગી? मैं आंकड़ों की बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि न मैं ज्योतिष हूं न भविष्यवाणी में विश्वास करता हूं, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस बार की परफॉर्मेंस सबको चौंका देने वाली होगी, कांग्रेस का वोट शेयर सबको चौंका देने वाला होगा, कांग्रेस को जितनी सीट्स हासिल होंगी उसमें बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि होगी पहले से, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि जो भी समीकरण बनेगा चुनाव के बाद, जो भी आंकड़े होंगे पूरे यूपी के, उसमें सरकार बनाने और सरकार चलाने में एक अहम और महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी कांग्रेस. तो यानी कि आपने बताया कि बहुत आशावाद तो है, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी जी को जिस तरह से पूरे जोर शोर से पूरी उत्तर प्रदेश की चुनाव की बागडोर पूरी उनको सौंप दी है, क्या लगता है कि इस चुनाव के बाद जो भी परिणाम आएंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे, क्या उसके ऊपर से राहुल जी का जो भी है फ्यूचर का प्लान किया जाएगा कांग्रेस प्लान करेगी? देखिए, लीडर और खास तौर से वो व्यक्ति जिनको पार्टी का हित मन में होता है वो इस बात से नहीं डरते कि परिणाम क्या आएंगे. जिन लोगों को पार्टी के लिए काम करने का शौक है वो इस बात से पीछे नहीं हटते कि बाद में आगे क्या होगा. श्री राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि वो उत्तर प्रदेश में लंबे समय के लिए नहीं आजीवन है. उनका आकर्षण या संबंध उत्तर प्रदेश से कोई आकस्मिक नहीं है, कोई क्षणिक नहीं है, और उनका एक जो रिश्ता है सिर्फ उनके पूर्वजों का नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, सिर्फ इलाहाबाद और बरेली और अमेठी का नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश से बहुत पुराना है, ऐतिहासिक है, और इसलिए जो कुछ भी वो कर पा रहे हैं वो करेंगे. हमें पूरी आशा है कि बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन कोई भी आंकड़े रहे उससे उनके संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उत्तर प्रदेश के साथ. अभिषेक जी, ये चुनाव का जो भी रिजल्ट आया, जो भी है, फेवर में आया, ज्यादा सीट्स मिली या तो कम मिली, तो क्या पार्लियामेंट में उसकी असर क्या रहेगी? देखिए, ये तो पुराना राजनीतिक इतिहास कई बार बता दिया है हमको कि कोई भी परिणाम किसी भी प्रदेश का, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रदेश क्यों ना हो, उसका कोई इस प्रकार का प्रभाव केंद्र सरकार पे या केंद्र पे होना ये बात सही नहीं है, न ये सैद्धांतिक रूप से सही है, न ये सच्चाई में सही है, और न कभी ऐसा हुआ है. ये बात जरूर है कि हर पार्टी चुनाव लड़ती है जीतने के लिए, अच्छा करने के लिए, और अगर परिणाम आशा के अनुसार नहीं आते हैं तो निराशा होती है, उसके बारे में जांच होती है. लेकिन ये कहना कि किसी प्रकार से केंद्र पर प्रभाव पड़ेगा, ये गलत होगा. नहीं, जैसे कि बार बार पिछले चुनाव, जैसे कि दिल्ली का रिजल्ट आया जस्ट कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश का, तो स्वाभाविक तौर से दिल्ली के चुनाव के जो भी परिणाम हैं तो उनके असर भी शायद दूसरे स्टेट पर भी पड़ते हैं, तो क्या इनका आगे, क्योंकि बहुत अहम भूमिका है उत्तर प्रदेश की पूरे राष्ट्र के राजकारण पे, पॉलिटिक्स के ऊपर, तो क्या कहीं अंदेशा लगता है कि जो भी आपके कोलिशन पार्टीज हैं वो कहीं वापस बार्गेनिंग करने का मौका मिले उनको? जैसा मैंने कहा, केंद्रीय समीकरण पे प्रदेश के चुनाव का असर नहीं पड़ता है. कई पार्टीज जो हमारे साथ केंद्र में हैं वो उत्तर प्रदेश में भी हमारा समर्थन कर रही है, और कई का एक प्रकार से उद्देश्य वही है कि वहाँ की सरकार जो है, वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है, उसको विफलता हो. इसलिए ऐसी बात नहीं है कि वो पार्टी हमारे साथ नहीं है, लेकिन अंत में किसी भी प्रदेश के चुनाव का परिणाम केंद्र में कोई असर नहीं करता है. अभिषेक जी, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं. दर्शक मित्रों, आज चर्चा चावरा के शो, परंतु ब्रेक पछी आप चर्चा करीशू गुजरात, नहीं के खास जेना कारण अभिषेक जी गुजरात में आया है, जे कौसर बीनी
અને સોરાબુદ્દીનની હત્યાકાંડ છે તેને લઈને ખૂબ જ આકરા પ્રહારો કર્યા છે. પરંતુ લીલિયા મેડુરી સિટી ન્યૂઝમાં સત્યની સાથે સત્યની સાથે સિટી ન્યૂઝમાં સત્યની સાથે સત્યની સાથે Now, city cable operators also provide instant broadband connectivity. Zamane se kadam aage. Zamane se kadam aage. Best service, best price. Zamane se kadam aage. City broadband. Hamesha aapke saath chalta rahe. City broadband. Zamane se ek kadam aage. દર્શક મિત્રો, બ્રેક પર આપ બધાનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં. અને આજે અમારી સાથે છે એક વિશેષ મહેમાન અભિષેક મનુસિંઘવીજી. અભિષેકજી, બ્રેક સે પહેલે હમને પૂરે હિન્દુસ્તાન કી તો વાત કરી, લેકિન ફિર સે એક બાત, જબ આપ ગુજરાત મેં હૈ તો જિસ તરહ સે ક્વેશ્ચન માર્ક લગા હુઆ સોહરાબુદ્દીન કી હત્યા, બાદ મેં સરકાર ને માન લિયા કી કૌશર ભૈયા ને ઉસકી પત્ની કી ભી હત્યા હુઈ હૈ, એસી શંકા જતાઈએ, ક્યા લગતા હૈ કી ઇસ મામલે મેં, ક્યોંકી આપ તો કાયદો કે સાથ જુડે હુએ ભી હૈ, તો बहुत ही दुखद स्थिति है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है. ये एक उदाहरण है कि ये प्रदेश में अंधा कानून चल रहा है. कानून से आस्था उठ गई है, कानून की जो भी रीति रिवाज है उनको भुला दिया गया है, बल्कि कानून का कोई वजूद नहीं छोड़ा गया है. और दुर्भाग्य की बात ये भी है कि ये गैरकानूनी कारनामे जो हत्याएं हो रही हैं, जो मानवता और मानव अधिकार का हनन हो रहा है, ये प्रदेश सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार के समर्थन से, प्रदेश सरकार के ज्ञान से, प्रदेश सरकार के लिए किया जा रहा है, ऑफ बाय एंड फॉर द स्टेट. तो ये पुराना उस प्रश्न को उठाता है कि कानून के रखवालों की रखवाली कौन करेगा. इसके तथ्य हैं जो चौंका देने वाले हैं. दो व्यक्तियों को उठा लिया जाता है, उनको सत्तारूढ़ पार्टी के जाने वाले व्यक्तियों के फार्म हाउस में रखा जाता है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, ट्रकें आती हैं, क्रेन आती हैं, कई किलोग्राम लकड़ी लाई जाती है, औरत का बलात्कार होता है, औरत को जलाया जाता है, मर्द की हत्या की जाती है. क्या ये सब संभव है बिना प्रदेश सरकार की मशीनरी के उपयोग के? ये जाहिर है कि प्रदेश सरकार इसमें लिप्त है. शुरुआत में कोई भी एक्शन अपने आप प्रदेश सरकार नहीं लेती है. आज जो इतने मगरमच्छी आंसू बहाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम सहयोग करने को तैयार हैं, तो शुरुआत से तो ऐसा नहीं था. नवंबर की वारदात है, उच्चतम न्यायालय की कंप्लेंट के बाद जब वो यहां पर आई कंप्लेंट, तो कई महीनों तक प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया. उसके बाद जब गीता जौहरी आईपीएस अफसर ने तहकीकात की और एक रिपोर्ट दी, तो पहली बार जैसी रिपोर्ट आई तो उसको हटा दिया गया, उसको अवरुद्ध किया गया, उसमें बाधा डाली गई उसकी प्रक्रिया में, उसकी इंक्वायरी प्रक्रिया में. ये लिखित रूप से सामने आया है. अभी जिस व्यक्ति ने इन तीन लोगों को अरेस्ट किया, डीआईजी रजनीश राय, उसको एक बहुत ही 3-4 दिन पहले एक बहुत ही चालाकी से, एक बहुत ही क्लेवरली वर्डेड दस्तावेज, 27 अप्रैल के दस्तावेज द्वारा उसके ऊपर एक और नियुक्ति कर दी गई है, जिससे कि सर्चेज में, अरेस्ट में, फ्यूचर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में उसका कोई अधिकार क्षेत्र न रहे. आपको और ये किया गया है पीसी पांडे द्वारा जैसे व्यक्ति से, जिसका रोल हम सब जानते हैं 2002 में. तो इन सबसे एक बड़ा, सिर्फ प्राथमिक दृष्टि से नहीं लेकिन बड़ा स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि इस सरकार के पास छुपाने को बहुत है. इस सरकार ने बहुत गलत कारनामे किए हैं, रात के काले अंधेरे में काली करतूतें की हैं, और उनको अब कवरअप और छुपाने का प्रयत्न किया जा रहा है. अगर ये नहीं होता तो दिन प्रतिदिन इतने जोरदार तरीके से उच्चतम न्यायालय के सामने सीबीआई इंक्वायरी का विरोध क्यों कर रहे हैं? दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा अगर सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी तो. लेकिन अगर नहीं भी मतलब एक्सेप्ट करते तो क्या इनका स्टैंड रहेगा? एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड रोल कर रहा है जब कांग्रेस, क्या रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है. औपचारिक रूप से उच्चतम न्यायालय में कह दिया गया है कि कम से कम इस ऐसे घिनौने वारदात जिसमें कि एक औरत की हत्या की गई, उसको बलात्कार हुआ उसका पहले, और उसके मर्द को मार दिया गया, कम से कम उसमें सीबीआई इंक्वायरी तो होनी चाहिए.
आपके इतने उग्र स्टेटमेंट से, मतलब इतना मतलब स्ट्रॉन्गली स्टेटमेंट से, क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि आने वाले दिनों में 356 की डिमांड भी आप करेंगे? 356 कोई दवा नहीं है जो कि हर मर्ज का इलाज हो। 356 जैसी चीजों को लाकर जो मुद्दा होता है, जो नैरोर फोकस होता है, उसको हटा दिया जाता है, उसको राजनीतिक इशू बना दिया जाता है। ये मानव अधिकार का इशू है। राजनीति हो, कुछ भी हो, राजनीति किसी भी स्तर पे हो, कोई भी पार्टी हो, क्या आप दिन दहाड़े किसी को उठाकर उन दोनों को हत्या कर सकते हैं? इसलिए मैं इसको बिल्कुल नहीं चाहूंगा राजनीतिकरण करना। उल्टा जो लोग मांग कर रहे हैं ऐसी, वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं, कभी 356 की बात कर रहे हैं, कभी आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, उनका पूरा उद्देश्य यह है कि इस बात से गुजरात मुख्यमंत्री, गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन से फोकस हटे और मुद्दे पे फोकस जाए। अभिषेक जी, इतना सीरियस ऑफेंस जब आप मानते हो कि ये गवर्नमेंट के थ्रू किया गया है या तो ऑफिसर के थ्रू किया गया है, तो जिस तरह से गोधरा के वक्त कांग्रेस या तो जो भी अपोजिशन पार्टी थी, आपके कोलिशन पार्टीज, उन लोगों के तरफ से जो भी अटैकिंग, जो स्टैंड लिया था, इस वक्त कहीं लगता है कि वो अटैक नहीं दिख रहा है कांग्रेस का, जिस तरह से मोदी सरकार को क्लच में ली जाए, कहीं ना कहीं कहीं ढीली पड़ती ऐसा लगता है। ये आपका मत हो सकता है, ये आपकी फीलिंग हो सकती है, गलत बात है, बिल्कुल गलत है, निराधार है। श्री मोदी या गुजरात सरकार के विपरीत देश के बाकी अंग, कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार कानून में विश्वास रखते हैं, चाहे जो आरोपित लोग हैं वो कानून में विश्वास नहीं रखते। जो कानून की में आस्था रखते हैं, जिनके लिए रूल ऑफ लॉ एक सिद्धांत है, वो जाकर आक्रमक दिखने के लिए किसी की गर्दन नहीं पकड़ सकते। अगर आपने गलती की तो मैं आपकी गर्दन पकड़ के आपको जेल नहीं डाल सकता। उसका एक प्रक्रिया होती, एक तरीका होता है। जनता के बीच और आप देख रहे हैं कि जनता के बीच में जाकर ये मुद्दा बार बार पिछले हफ्ते से दिन प्रतिदिन उठाया जा रहा है, आपके समक्ष उठाया जा रहा है। इससे ज्यादा किसी भी लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता। कहीं लिटमस टेस्ट तो नहीं हो रहा कि देखें कि जनता क्या अपने आप करती है, उसके बाद में जाके कांग्रेस थोड़ा स्ट्रॉन्गली जाएगी? कोई इसमें खेल खिलवाड़ नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर मानवाधिकार का मुद्दा है और मैं समझता हूँ कि इसकी गंभीरता को कम करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए इस प्रकार के एक्सट्रेनियस फैक्टर्स ला लाते। तो दर्शक मित्रों, आज मुलाकात अभिषेक मनु सिंघवी जी साथ ने, તેમણે ખૂબ જ જોરદાર પ્રહાર કરતા કર્યું છે કે આ એક સિરિયસ ઓફેન્સ છે, આની અંદર કોઈ પણ રીતે મોદી સરકારને ક્ષમા કરવી નહીં જોઈએ અને આવનારા દિવસોમાં કોંગ્રેસ પોતાનું સ્ટેન્ડ પણ લેશે। જોઈએ છે કે આવનારા દિવસોમાં આ મુદ્દો કેવો રંગ લાવે છે। વિશેષ મુલાકાત હતી અભિષેક મનુજી સિંઘવીજીની સાથે। આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અભિષેકજી, થેન્ક યુ વેરી મચ। ધન્યવાદ।